हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम दोनों आए हैं चांदनी चौक। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में यहाँ पर बंदर भी है। शेठी ये भी हमारे साथ आया शॉपिंग करने के लिए। तो हम चांदनी चौक आए हैं शादी के लिए, क्या क्या स्पेशल है देखते हैं। यहाँ पर अभी सीजन शुरू हो चुका है तो बहुत कुछ आया होगा, तो लेट्स गो एंड वॉच, लेट्स डू शॉपिंग टुगेदर। तो ये है चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियाँ। यहाँ पर मैंने देखा कि नोट एक्सचेंज होते हैं, अगर किसी के नोट फट चुके हों या ख़राब हो चुके हों तो हम यहाँ एक्सचेंज करवा सकते हैं। फिर हम यहाँ से बाहर आए और हमने देखे कि कुछ सूट्स की शॉप्स हैं। फिर मुझे कुछ पर्स दिखे, तो यहाँ पर मैंने पर्स देखे, तो जो हैंड बैग है ये 350 रुपीज़ के थे और जो पोटी बैग है वो 200 रुपीज़ के थे। तो ये मेन मार्केट जो है मेन रोड पे थी ये शॉप। अगर आपको और रीज़नेबल प्राइस में चाहिए तो आप अंदर की शॉप पे भी देख सकते हैं। यहाँ एक पर्ल का बैग था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, ये 1300 रुपीज़ का था, काफ़ी खूबसूरत सा पोटली बैग था। उसके अलावा ये जो हैंड बैग्स हैं ये 400 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। काफ़ी सारी वैरायटी थी, अगर किसी को भी अपने पर्स या हैंड बैग खरीदने शादी के लिए या ऐसे ही शॉपिंग करनी हो मार्केट के लिए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नई सड़क मार्केट। ये मार्केट वो है जो चांदनी चौक और चवरी मार्केट को कनेक्ट करता है। इस मार्केट में आपको बहुत सारे कपड़ों की दुकानें दिखेगी। यहाँ पर आपको पुरानी बुक्स की शॉप्स भी मिल जाएगी और एक दो इंस्ट्रूमेंट की शॉप्स भी हैं। कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का मार्केट, स्पेशली लहंगों का मार्केट है चांदनी चौक में नई सड़क मार्केट। तो यहाँ पर मैंने को देखा कि जो शॉप वाले थे, जो जिनकी साड़ियाँ बच जाती है या एक एक पीस बच जाते हैं, उन्होंने भारी लगाई हुई थी और सारी साड़ियाँ वो 200 रुपीज़ में दे रहे थे। कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी थी, बट जिसको शादी में लेन देन के लिए चाहिए या कुछ काम के लिए चाहिए तो वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स भी था, तो जिनको भी पढ़ने का शौक है वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हल्दी की शॉपिंग आई थी, तो जो आजकल हल्दी में फैशन चल रहा है फ्लावर ज्वेलरी का, तो यहाँ पर हर पैकेट 100 रुपीज़ ईच था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हल्दी ज्वेलरी की तो आप यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी प्यारी थी। ये नई सड़क में जो अरुण साड़ी है उसके जस्ट सामने ये शॉप थी। तो जानते ही हैं आजकल साड़ी या लहंगे पर लटकन का काफ़ी फैशन चल रहा है, तो ये भी शॉप वहीं पे थी अरुण साड़ी के सामने। तो मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर लटकन दिखी, देख सकते हैं शुभ लाभ वाली या अगर नाम वाली चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक लेन थी जो मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आई है। ये लेन थी जो चांदनी चौक में नई सड़क से पराठा वाली गली को कनेक्ट करती थी। इस लेन में काफ़ी अच्छी अच्छी और बड़ी साड़ी की शॉप्स थी, लहंगे की शॉप्स थी और कुछ डिज़ाइनर शॉप्स भी थी। ये सारा उसमें कर देना ठीक है। सूट आएगा आपका जैसे सेलन पे डाल दो 53। थैंक यू भैया। तो अब हम आ गए हैं सियोनी साड़ीज़ पे। यहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मैंने साड़ी खरीदी है, सूट खरीदे, यहाँ का कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, तो आप यहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन आया है शादी के रिलेटेड। अब हम उसी लेन में चल रहे हैं, ये पराठा वाली गली की तरफ या किनारी मार्केट की तरफ ले जाता है। यहाँ पर इयरिंग्स ही काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन था, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। आपको जिस तरह की भी इयरिंग्स चाहिए आप यहाँ पर आके पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छा कलेक्शन था। वहीं आगे लेन में चलते हैं, मुझे ब्लाउज़ की शॉप्स दिखी। यहाँ पर बहुत अच्छे ब्लाउज़ का कलेक्शन था, आप देख सकते हैं कि मिरर वर्क के ब्लाउज़, पर्ल वर्क के ब्लाउज़, सीक्वेंस वर्क के ब्लाउज़, सारे स्टिच ब्लाउज़ अवेलेबल थे। ये मिरर वर्क का ब्लाउज़ था जो मुझे काफ़ी पसंद आया, ये 950 रुपीज़ का था। वहीं आपसे और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक अंकल बैठे थे जिनकी बहुत बड़ी स्टॉल थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ब्लाउज़ दिखाए,
250 में उनके यहाँ प्लेन ब्लाउज थे, 350 में सीक्वेंस के ब्लाउज थे। तो जिन लोगों को भी अगर स्टिच ब्लाउज चाहिए तो वो ये पराठे वाली गली की साइड में आ सकते हैं। किनारी मार्केट स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लाउज की शॉप्स हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस की थी। उसी ब्लाउज वाले के पास में फेमस कचौरी वाला था, बहुत ही टेस्टी कचौरी थी यहाँ पर, तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगी कचौरी। अब हम किनारी मार्केट की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सुंदर बटन की शॉप्स थी। तो ये जो बटन है ये 50 रुपीज़ ईच पैकेट है, अगर आपको कोर्ट में या किसी भी जगह बटन यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। काफ़ी डिज़ाइनर बटन अवेलेबल थे और मैंने तो एक दो पैकेट्स ख़रीदे भी हैं। इस मार्केट में आपको घर के डेकोरेशन का सामान हो, या फिर अगर लड़की के लिए आपको चूड़ा चाहिए हो, या फिर शादी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ज़रूरत की, एनवलप होते हैं, साफ़े होते हैं, थाली होती है, सब कुछ बहुत वैरायटी थी, बहुत सुंदर अवेलेबल था। अगर आपको कोई भी शादी से रिलेटेड यहाँ पर शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हल्दी से बना हुआ है, पोटली बैग्स हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो बहुत ही क्यूट होती है, बहुत सुंदर लगती है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लटकन की फिर से शॉप्स आ चुकी हैं। हम जिस दिन गए थे उस दिन काफ़ी शॉप बंद थी, संडे का दिन था, लेकिन अब अगर बाकी दिन जाएंगे तो आपको शॉप्स ओपन मिलेगी और आप काफ़ी अच्छे से आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तोरण की शॉप भी थी, शादी हो गया या कोई भी फेस्टिवल हो गया हम गेट के बाहर तोरण लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तोरण थे। आजकल आर्टिफिशियल तोरण का फैशन चल रहा है तो यहाँ पर 150 से स्टार्टिंग रेंज थी। मैंने भी अपने घर के लिए कुछ तोरण खरीदे थे, मुझे काफ़ी पसंद है, ये डेकोरेशन में भी काम आते हैं, शादी का माहौल हो तो शुभ मुहूर्त में भी काम आते हैं, फेस्टिव सीज़न में भी अच्छे लगते हैं, ये घर के डेकोरेशन में बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारी रेंज थी तोरण की, तो एक दो तोरण आपके लिए दिखाती हूँ। ये 150 से स्टार्ट है और जैसे जैसे आपको प्राइस रेंज पसंद आए तो आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक में थे, ये मोती में भी थे, अलग अलग वैरायटी के थे। काफ़ी सारी शॉपिंग हो चुकी थी और अब हम लोग जा रहे हैं पराठे वाली गली की तरफ। किनारी मार्केट से निकलती पराठा गली स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर पराठे मिलते हैं। आप लोगों ने तो काफ़ी सुना ही होगा, काफ़ी फेमस गली है। यहाँ पर पराठे बनाने का तरीका भी एक स्पेशल तरीका है, यहाँ पर डीप फ्राई करके पराठे बनाए जाते हैं। तो जो लोग डाइट करते हैं या डाइटिंग का मन है तो प्लीज़ इस गली में आके सब भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट को इन्जॉय कीजिए, काफ़ी टेस्टी पराठे थे। आइए गाइस, आपको बचपन की यादें ताज़ा करवाते हैं, बचपन के मीठे बिस्किट जिसको देखते ही मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। तो आप देख सकते हैं इस गली में आके मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं, वो चांदनी चौक की गलियों में इतना थक चुके थे, बट जैसे ही वो इस गली में एंटर हुए वो इतने खुश हो चुके हैं, वो यहाँ पर खाना पीना इतना इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ के फ्लेवर्स हर चीज़ वो टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चांदनी चौक की ये इनकी फेवरेट गली बन चुकी है। जैसे ही हम पराठे गली से बाहर आए हमें होम फर्निशिंग की शॉप दिखी, यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइस का सामान था, होलसेल शॉप थी। यहाँ पर मैट्स थी जो 200 से स्टार्टिंग थी, आर्टिफिशियल ग्रास थी जो यूजुअली आजकल लोग गार्डन में और हर जगह लगाना शुरू हो चुके हैं, ये हल्दीराम से जस्ट अपोजिट लेन में थी, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में। तो ये फेमस डोसा शॉप थी जो गुरुद्वारा के जस्ट ऑपोजिट थी, काफ़ी टेस्टी यहाँ पर डोसा मिला था, काफ़ी वैरायटी ऑफ डोसा थी। तो जिस जिसको साउथ इंडियन पसंद है तो वो यहाँ आकर एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल प्राइस में काफ़ी टेस्टी डोसा मिल रहा था।
अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की तरफ। ये चांदनी चौक में सिचुएटेड है, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी माथा टेकता है, अपनी मन्नत मांगता है, वो ज़रूर पूरी होती है। तो कभी भी अगर आप चांदनी चौक आएँ तो इस गुरुद्वारा में ज़रूर जाइए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, यहाँ पर जाके आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। चलिए अब चलते हैं, शाम का वक्त हो गया है, घर की तरफ। तो अब घर पे हम कुछ स्वीट्स भी ले जाते हैं। तो हम हल्दीराम के आउटलेट आए हैं। ये हल्दीराम का जो आउटलेट है, ये कहते हैं दिल्ली का सबसे पहला आउटलेट है जो कि चांदनी चौक में बना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैकिंग के लिए भी मशीन्स रखी गई हैं, कितनी अच्छी वैरायटी की यहाँ पर स्वीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी घर के लिए चांदनी चौक से ले जाना हो, मिठाई या नमकीन, तो आप हल्दीराम के इस आउटलेट पर ट्राई कर सकते हैं। हल्दीराम के आउटलेट के जस्ट पास में फेमस कांजी बड़े वाला है। इनका कांजी का पानी काफ़ी फेमस है। ये खट्टा मीठा पानी होता है, काफ़ी टेस्टी है, स्पाइसी होता है। यहाँ पर चाट भी काफ़ी टेस्टी है। तो अगर आप यहाँ पर चाट पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी टेस्टी बेक्ड स्वीट पोटैटो था, जिसे हम शक्करकंदी कहते हैं। अब हम फेमस नटराज के दही बल्ला कॉर्नर आए हुए हैं। आप भीड़ देख के पता लगा सकते हैं कि कितनी फेमस शॉप है ये। यहाँ के दही बल्ले या यहाँ की चाट कितनी फेमस है। यहाँ की आलू टिक्की काफ़ी टेस्टी थी, हमने दही बल्ले और आलू टिक्की ट्राई की थी। यहाँ पर ऊपर सिटिंग भी थी, बट उस दिन संडे था तो सिटिंग बंद की हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं चाट को। जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो हमने सोचा क्यों ना उस मंदिर के भी दर्शन करते हुए ही चलें। तो इस मंदिर का नाम है शिव नवग्रह मंदिर धाम, या फिर शनिदेव टेंपल चांदनी चौक नाम से फेमस है ये मंदिर। ये मेट्रो स्टेशन के पास है, तो जो भी कभी भी मेट्रो स्टेशन से जाए तो इस मंदिर में ज़रूर जाए। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलाकृति इधर की गई है। तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाइए। आपको मेरा ये चांदनी चौक ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ये मेरा वन डे ट्रिप था चांदनी चौक के लिए, मैं पहली बार चांदनी चौक आई थी। अगर आपको स्पेशली किसी चीज़ का चांदनी चौक ब्लॉग चाहिए तो आप वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपको मुझे ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।